हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने जीएसटी के डिस्कशन को और हम आ गए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे। अभी तक हमने जो भी चार चैप्टर फिनिश किए हैं, 100% उन चारों में से क्वेश्चंस तो आएंगे ही, और अब ये जो पांचवा चैप्टर है इससे और ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इन कंपेरिजन ऑफ लास्ट फोर चैप्टर्स। तो इसको भी करते हैं और ये चैप्टर का नाम है एग्जेम्पशन। तो हम सबसे पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन इस वीडियो में, और रिवीजन करने के बाद जो हमारा तरीका है सारे एग्जांपल्स कवर करने का, इलस्ट्रेशंस कवर करने का, और फिर लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं पेज नंबर 5.110। लेट अस रिकैपिटुलेट में पहला पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब पहले तो सरकार ने बोल दिया कि भाई हम तो टैक्स ले लेंगे, जीएसटी पे सब पे ले लेंगे, सब पे ले लेंगे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि हम इन इनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे, या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। तो गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी गुड्स को या सर्विस को टैक्स से एग्जेम्प्ट करने का, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर। तो ये याद रखना, दो तरीके हैं एग्जेम्प्ट करने के। नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट सभी जनरली सबको करना, अगर इन जनरल अगर सबको करना होता है तो नोटिफिकेशन दे देते हैं, और किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेज में या एक्सेप्शनल नेचर में पब्लिक के हित में अगर कुछ करना होता है तो उसके लिए स्पेशल ऑर्डर देते हैं। नाउ पॉइंट नंबर टू, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब हम वो सारे के सारे लिस्ट देखने जा रहे हैं जिसमें एग्जेम्प्शन दी गई है, और इन्हीं लिस्ट में से या तो चार पांच सर्विसेज के लिस्ट को मिला के क्वेश्चन पूछ देंगे, या फिर किसी एक ही बड़ी सर्विस पे दो चार पॉइंट बना के क्वेश्चन बनाएंगे वो। तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो सबसे पहला है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। सर्विसेज जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, मतलब दान पुण्य से रिलेटेड। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें याद रखना कि वो जो चैरिटेबल एक्टिविटी है या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है चैरिटेबल एक्टिविटी, उसका 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एन एनी रिलीजियस सेरेमनी, अगर कोई सर्विसेज कोई पर्सन दे रहा है जैसे कि पूजा पाठ करवा रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनी करवा रहे हैं, और रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स, या तो कोई व्यक्ति जो रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है तो वो तो पूरा एग्जेम्प्ट ही हो गया। और अगर कोई ऐसा ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12AA, 12AB में, 1023AB में और 1023BBA में, जो कि रेंट पे दे रहे हैं कोई रिलीजियस प्लेस, कोई जगह है किसी को, तो ऐसे केस में ये देखना है कि अगर रूम का जो रेंट है 1000 से ज़्यादा, मतलब रूम का रेंट 1000 या 1000 से ज़्यादा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो रूम का रेंट है वो 999 रुपये होने चाहिए तब वो एग्जेम्प्ट है। अगर हम बिल्डिंग की रेंट की बात करें, वो रूम का रेंट था, वो एक रूम रेंट का पर डे की बात थी कि अगर एक रूम 999 रुपये पर डे दे रहा है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। और सेकंड है प्रीमाइसेस को रेंट पे, बिल्डिंग को रेंट पे दिया, जैसे कम्युनिटी हॉल है, शादी और वगैरह के लिए कल्याण मंडप है, ओपन एरिया है, वो किराए पे दे रहे, तो जो 9999 रुपये पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 10,000 भी होता है या 10,000 से ज़्यादा होगा तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करने के लिए वो जो कल्याण मंडप है, कम्युनिटी हॉल है, उसका जो चार्जेस है वो 9999 रुपये का होना बहुत ज़रूरी है, 10,000 से कम। नाउ थर्ड, चार्जेस फॉर रेंटिंग ऑफ शॉप, अगर कोई दुकान है वो मंथली किसी को रेंट पे दे देते हैं, कोई जगह है, बिजनेस कॉमर्शियल प्लेस है, वो सब उस एंटिटी की बात करें जिसका 12AA, 12AB में रजिस्ट्रेशन है, 1023, 1023AB में रजिस्ट्रेशन है। तो अगर वो रेंट 9999 पर मंथ ले रहा है, 9999 पर मंथ ले रहा है रेंट, तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज वो 10,000 रुपये मंथली ले रहा है या 10,000 से ज़्यादा ले रहा है तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं है। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, KMNV और हज कमिटी, जो हज पे लोग जाते हैं, हज यात्रा पे जाते हैं या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, अगर ऐसी कोई कमिटी सर्विस देती है तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ट्रेनिंग और एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट्स कल्चर बाय एन इंडिविजुअल,
अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग है आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, कोई इंडिविजुअल दे रहा है आर्ट और कल्चर से रिलेटेड तो एग्जेम्प्ट है। और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी, अगर चैरिटेबल एंटिटी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कोचिंग दे रही है तो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड होना 12AB में बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस कवर कर लिया है, वो है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। नाउ सेकंड सर्विस है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज है तो भी एग्जेम्प्ट है। अब देखते हैं क्या क्या, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, मतलब चावल से रिलेटेड अगर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग हो रही है तो एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब एक सेकेंड, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है, जंगल से कोई छोटे मोटे चीज़ें अगर ऐसे कुछ निकल रहा है, मतलब खेती से रिलेटेड है, तो उसकी वेयर हाउसिंग भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नाउ थर्ड, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर सर्विसेज है दाल फल और सब्जी से रिलेटेड, अगर उसकी स्टोरेज की सर्विस है, वेयर हाउसिंग की सर्विस है, तो फिर एग्जेम्प्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्स, अगर घोड़े को छोड़ के, मतलब हॉर्सेस को छोड़ के जितने भी जानवर हैं जो लाइव स्टॉक की गिनती में आते हैं, अगर उनके मतलब नस्ल को बढ़ाने के लिए, उनसे बच्चे होने के लिए जो भी काम किया जाता है, मतलब जो भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी एग्जेम्प्ट है। नाउ कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क, अगर जॉब वर्क पे काम कर रहे हो, किस चीज़ से रिलेटेड है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ एनिमल्स, फूड फाइबर, घोड़े को छोड़ के फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड जो जॉब वर्क हो रहा है, तो उसे भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट रियरिंग ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स, हॉर्स की तो पूरा एग्जेम्पशन है ही नहीं, हॉर्स के केस में तो एग्जेम्पशन हटा दिया है। अगर कोई फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोड्यूस जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से निकलता है, अगर उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हो कल्टीवेशन की, तो या फिर जानवरों से रिलेटेड कोई भी सर्विस अदर देन हॉर्स, तो एग्जेम्प्ट है। नाउ बाय वे ऑफ क्या क्या टाइप की सर्विसेज वो दे सकते हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, किसी अनाज से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड अगर कोई कल्टीवेशन का, मतलब कटाई बुआई सिंचाई इस टाइप के जो काम होते हैं ना, टेस्टिंग के काम होते हैं, इन सब पे एग्जेम्प्शन है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, खेतों में जो लेबर काम करते हैं उस लेबर की सप्लाई कर रहे हो आप, तो एग्जेम्प्ट है। सी प्रोसेसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चरल फार्म, अगर प्रोसेस आप किसी एग्रीकल्चरल, मतलब खेत पे अगर कोई प्रोसेस कर रहे हो, खेत में अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड काम कर रहे हो, जैसे कि खेत से अनाज काट रहे हैं या फिर खेत में कुछ ऐसा काम, लेकिन उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बदलना नहीं चाहिए। जैसे धान है तो धान को ही, धान तो धान ही माना जाएगा, धान से चावल में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं ना, इसेंशियल मार्केट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलना चाहिए। तो अगर ऐसे प्राइमरी मार्केट के लिए काम करते हो, एग्रीकल्चरल फार्म के लिए काम करते हो, बट ओनली इट मार्केटेबल बनाने के लिए, प्राइमरी मार्केट में ले जाने के लिए काम कर रहे हो किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन और वैकेंट लैंड, अगर कोई मशीन है जो कि खेती में काम आएगी या फिर कोई खेत है खाली है उसके रिलेटेड कोई उसका रेंट दे रहे हो, रेंट पे किसी को दे रहे हो, तो फिर एग्जेम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मतलब जो भी खेती से निकलने वाले जो चीज़ें हैं उसको अगर लोडिंग हो रही है अनलोडिंग हो रही है, पैकिंग करवा रहे हो स्टोरेज करवा रहे हो वेयर हाउसिंग करवा रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, अगर एग्रीकल्चरल को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसे सर्विसेज है एग्रीकल्चरल की प्रमोशनल के लिए, तो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, सर्विसेज अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के द्वारा दी जा रही है, तो भी एग्जेम्प्ट है। तो इस तरीके से हमने एग्रीकल्चरल सर्विस भी कवर कर लिया।
अब चलते हैं एजुकेशन सर्विस की तरफ। अब एजुकेशन सर्विस में क्या है, जैसे कोई स्कूल सर्विस दे रही है, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देती है अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को कोई भी सर्विस देती है तो एग्जेम्प्ट है। और अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने की भी सर्विस देती है एंट्रेंस फी लेकर, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो इसमें सोचने वाली बात बस ये है कि अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई सर्विस दे किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अभी कॉलेज है, स्कूल है, वो इतनी सारी सर्विस देती है अपने बच्चों को, स्कूल स्टाफ को बस से लाती है, पिकअप करती है, ड्रॉप कराती है, तो स्कूल के पास थोड़ी ना बस है, तो वो भी तो किसी से सर्विस लेती है। स्कूल अपने स्टाफ को खाना खिलाती है, तो खाने खिलाने के लिए भी वो भी तो किसी से कैटरिंग की सर्विस लेती है। स्कूल में वो सारे क्या कहते हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, एजेंट सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं, वो भी तो किसी किसी एजेंसी से सर्विस ले रहे हैं कि भाई गार्ड मिलने चाहिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अब इस पे सोचना बस इसी पे है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो सर्विस दे रही है स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ये ले रही है तो क्या करें ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की, कि वो अपने स्टूडेंट और फैकल्टी और स्टाफ को ट्रांसपोर्ट कर पाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे पाए, कैटरिंग की, खाने पीने की, या फिर मिड डे मील की सर्विसेज दे रहे हो, हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहे हो, क्लीनिंग की दे रहे हो, सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हो आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो दीज एग्जेम्पशंस आर ओनली एप्लीकेबल टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। तो ये सारे एग्जेम्पशंस तभी एप्लीकेबल है, ये जो तीन टाइप की जो सर्विसेज आप देख रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये जो आप जिसे दे रहे हो वो प्री स्कूल एजुकेशन वाली इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल होनी चाहिए। बस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए ये तीन सर्विसेज अगर उनको दिया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है। बाद बाकी ये तीन सर्विस अगर प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर स्कूल 12वीं तक के लिए दिया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। नाउ फोर्थ, सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट और एग्जामिनेशन बाय, अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एडमिशन के लिए कोई सर्विस दे रही है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, तो वो सब एग्जेम्प्ट है। नाउ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल्स, जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन या एजुकेशनल जर्नल इशू करते हैं, अपने मैगजीन्स इशू करते हैं, दिस एग्जेम्पशन इज ओनली एप्लीकेबल टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लॉ फॉर टाइम बिंग इनफोर्स। ये एग्जेम्पशन सिर्फ उनको ही है जो किसी लॉ में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए, ये स्कूल और के लिए नहीं है, प्राइमरी स्कूल और इन सब के लिए नहीं है। बस अब आगे चलते हैं, अब आगे हम हेल्थ केयर सर्विस के केस में, तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि हॉस्पिटल्स आ गए, तो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट और ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का होना ज़रूरी है, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी है, और पैरामेडिक्स का होना ज़रूरी है। तो अगर ये तीन लोग अगर हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं या ये तीन हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं तो एग्जेम्प्ट है। हाउ एवर, नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइड बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बाई वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम अदर देन इंटेंसिव कर यून की ICU और CCU और ICCU और NICU हैविंग रूम चार्जेज एक्सीडिंग 5,000 पर डे अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस। मतलब अगर ये लोग ऐसी सर्विसेज देते जिसमें ICU आ जाता है, NICU आ जाता है, NICU बच्चों के लिए होता है, ICU होता है, तो अगर इनके चार्जेज 5,000 पर डे तक है तब तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इन सब के चार्जेस 5,000 पर डे से ज़्यादा है तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में बाय एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड अबव, तो किसी भी बंदे को एम्बुलेंस अगर कोई सर्विस दी जा रही है तो वो, या ये इंस्टीट्यूशन अगर इंश्योरेंस की कोई सर्विस, ये एम्बुलेंस की कोई सर्विस दे रही है, एम्बुलेंस के ट्रांसपोर्टेशन होती है मरीजों की, तो वो एग्जेम्प्ट है। अब हम आ गए हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करे तो क्या होगा। नाउ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी,
अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्यूनिसिपल पंचायत और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानूनी पद पर कोई बैठ के अगर कोई गवर्नमेंट है अगर इस टाइप की कोई सर्विसेज देती है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट लोग भी दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज भी दे रही हैं, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अब देखो, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट है, मान लेते हैं लोकल अथॉरिटी है, इन सब की जो सर्विस हैं वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन लेकिन नीचे दी गई जितनी चीज़ें वो एग्जेम्प्ट नहीं है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट की जो डिपार्टमेंट है जो सर्विसेज देती है पोस्टल डिपार्टमेंट, वो तो कोरियर डिपार्टमेंट, प्राइवेट कोरियर वही करते हैं काम, तो उनको बोला भैया ये तुम्हें भी एग्जेम्प्ट नहीं है, सरकार को भी एग्जेम्प्ट नहीं है। एयरक्राफ्ट और वेसल से अगर सर्विस दे रहे हो इनसाइड और आउटसाइड पोर्ट और एयरपोर्ट के लिए तो भी एग्जेम्प्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर एजेंट नहीं है, मतलब एग्जेम्प्ट नहीं है। एनी सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस अब प्रोवाइडेड टू बिजनेस, या कोई और सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस अब इनके अलावा भी जो कि आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, जो कि आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट नहीं है। भाई जनरली माना जाता है कि जो सरकार है वो आम लोगों के लिए काम करती है और आप बिजनेस एंटिटी के लिए काम कर रहे हो तो उस पर एग्जेम्प्शन नहीं है। अब चलते हैं आगे। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डनरी पोस्ट, एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 kg, तो ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। क्योंकि डिपार्टमेंट पोस्ट जो है पोस्ट कार्ड भी इशू करती है, इनलैंड लेटर भी इशू करती है, बुक पोस्ट भी करती है, ऑर्डनरी पोस्ट इसका 10 ग्राम से नीचे का एनवलप है तो वो एग्जेम्प्शन है। अगर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो हमने देखा ना कि वो एग्जेम्प्शन नहीं है। विद एन एग्रीगेट टर्नओवर सच अमाउंट टू द प्रेसिडेंट एज मेजिक, तो उसको एलिजिबल कर एग्जेम्प्शन हो सकती है, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे उसकी कोई जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो पार है या नहीं। मतलब सभी बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल नहीं है, वही बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल है जिसकी कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस ना करे तब तक। दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सर्विस एंड रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी। सर अगर इमोबाइल प्रॉपर्टी की कोई रेंटिंग हो रही है, अगर ये सरकार की कोई प्रॉपर्टी है और उसको रेंट पे वो सरकार किसी को दे रही तो एग्जेम्पशन नहीं है। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTLA टू अनदर, अगर एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ठीक है तो एग्जेम्पशन है। बट दिस एग्जेम्पशन नॉट एप्लीकेबल स्पेसिफाइड सर्विस के लिए, फिर एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के लिए तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ऊपर जो हमने स्पेसिफाइड सर्विस देखी है ना, पोस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की, इनलैंड वाटर की, ये जो भी है, तो इन स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे आप एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट को ही क्यों ना दे रहे हो। सर्विसेज प्रोवाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, UTLA वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000। अगर कोई जिस एग्जेम्प्शन, मतलब अगर कोई ऐसी सर्विस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी सर्विस की जो कॉस्ट है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन स्पेसिफाइड सर्विस के केस में, जो पोस्ट और ट्रांसपोर्टेशन जो हमने ऊपर 3-4 सर्विसेज देखी थी, उसके केस में ये एग्जेम्प्शन एप्लीकेबल नहीं है 5,000 वाली। उसके अलावा कोई ऐसी सर्विस दे इसके लिए 5,000 से नीचे के चार्जेज हैं तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विस है तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ ग्रांट, अगर दूसरे गवर्नमेंट को दे रही है और दूसरे गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव कर रही है तो एग्जेम्प्ट है। अगर ओल्ड एज होम जो जिसमें वृद्ध लोग रहते हैं, तो वृद्ध लोग अगर जिस ओल्ड एज होम में रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, या फिर वो ऐसी एंटिटी चला रही है जो कि 12AA, 12AB में रजिस्टर्ड है, जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है, और जो उसमें 60 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, 60 साल से ऊपर के लोग रहते हैं वृद्धाश्रम में, तो वहाँ पे अगर उनकी कॉस्टिंग 25,000 पर मंथ पर मेंबर की है, प्रोवाइड द कंसे इंक्लूसिव चार्ज ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग और मेंटेनेंस, मतलब उनकी चार्जेज अगर 25,000 से नीचे की है तो वो एग्जेम्पशन है, जिसमें सारा खाना पीना रहना आ जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो अपने ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अगर सर्विसेज सप्लाई कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज, तो उसमें भी ये एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, बाई
किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है तो रजिस्ट्रेशन के बदले में रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लेती है सरकार, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। कोई टेस्टिंग है, कैलिब्रेशन है, सेफ्टी चेक है, सर्टिफिकेशन कर रही है सरकार, उसके रिगार्डिंग कोई फ़ीस ले लेती है। कोई लाइसेंस इशू करती है, उसके रिगार्डिंग फ़ीस ले लेती है सरकार, तो उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है, एग्जेम्पशन है वो सारे के सारे। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट इशू कर रही है, वीजा इशू कर रही है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रही है, बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, इन सब पे टैक्स नहीं है, ये सब एग्जेम्पशन कैटेगरी में। सर्विसेज दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और एलए बाई टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कंसिडर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइंस और लिक्विडेट डैमेज। अगर आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ लॉ तोड़ दिया, उसके बाद सरकार आपसे फाइन ले लेती है, लिक्विडेट डैमेज ले लेती है, तो उस फाइन पे टैक्स नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कंट्रीब्यूशन प्लांट रियरिंग ऑफ ऑल फार्म। अगर कोई सरकार किसी को राइट देती है कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करो, इंडिविजुअल फार्मर को राइट देती है, उसके बदले में अगर कोई पैसा ले लेती है, नॉर्मल फीस ले लेती है, तो वो एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब उस पर एग्जेम्पशन है। ये सारे एग्जेम्पशंस की लिस्ट पढ़ रहे हैं। नाउ सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डिप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑन हॉलीडे फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर सच ड्यूटी, जैसे कई बार इंपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है, ऐसे केस में अगर जो आफ्टर हॉलीडे के बाद भी या आफ्टर ऑफिस आवर भी किसी ऑफिसर को भेज देते हैं फैक्ट्री प्लेस पर भी जाके इंस्पेक्ट कर दो या जहाँ पे कंटेनर स्टफिंग करके दे दो, इसके लिए जो वो चार्जेज लेते हैं उसके पर कोई टैक्स नहीं है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शंस कॉन्ट्रैक्टर, अगर एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर सर्विसेज सप्लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो एग्जेम्पशन है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और सर्विसेज प्रोवाइड बाय रिहेबिलेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज बाय RCI बाय रिहेबिलेशन थेरेपी काउंसलिंग, मतलब कई सारे रिहेबिलेशन सेंटर्स हैं, नशा मुक्ति केंद्र है या थेरेपी सेंटर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है, और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्टर किए हैं, तो इस टाइप की जो सर्विसेज देते हैं तो भी एग्जेम्पशन है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जेम्पशंस थे वो सारे हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, और आगे के जो एग्जेम्पशंस हैं जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, GTS से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम कंस्ट्रक्शन सर्विस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।